आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा की माटी के लाल विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर पहुंचा छिंदवाड़ा, हवाई पट्टी पर उमड़ा जन सैलाब। शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि अर्पित करने छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। शहीद विक्की पहाड़े की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई, राजकीय सम्मान के साथ हुए पंचतत्व में विलीन। और महिला कुंडीपुरा थाना के पास प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर, धरना स्थल को बनाया अपना घर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गत दिवस आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा की माटी के लाल शहीद विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर आज सेना के विशेष चौपर से छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचा। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर शहीद विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर लाया गया। इस दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अपार जनसमूह मौजूद रहा। सर थोड़ा थोड़ा पीछे आइए। शहीद विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर हवाई पट्टी पर पहुंचने के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के परिवार को हर संभव मदद की जाएगी, साथ ही 1 करोड़ रुपए सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। आचार संहिता लगी होने के कारण इसकी घोषणा फिलहाल नहीं की जा सकती, लेकिन एक पत्र निर्वाचन आयोग को भेजा जा रहा है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही राशि परिवार को दी जाएगी। मैं अपने शहीद विक्की पहाड़े की आज बॉडी लाई गई, मैं आज इसमें सम्मिलित हुआ। हमें गर्व है हमारे बहादुर जवान पर, जिसने अपने कर्तव्य की बलिदान पर अपना का 1 करोड़ से मां की सेवा में अपना शरीर समर्पित किया है। यद्यपि ये बात सही है कि आयु इतनी नहीं थी, कायराना हमला हुआ, सरकार निपटने में सक्षम है और इनको कीमत चुकाना पड़ेगी दिन में ये कायराना हरकत की है, लेकिन ये देश 9000 साल से ऐसे बहादुर जवानों के भरोसे अपनी लंबी यात्रा तय करता आया है। मेरी अपने ओर से श्रद्धांजलि दी और परमात्मा से कामना करते हैं कि उनको अपने स्थान में अपने चरणों में स्थान दे। माननीय सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करता हूँ और सेना पर गर्व करता हूँ, जिसने अपनी एक लंबी उज्ज्वल परंपरा के निर्वहन के आधार पर
लाड़ा पाना लेकर के सरकार की व्यवस्थाओं के मुद्दों पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई वो हमारे सबके लिए कहीं ना कहीं मन में खटकती भी है, लेकिन ये प्रेरणा भी देती बाकी समाज के लिए। जीवन में आने के बाद जाना सबको है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे द्वारा अपनी ड्यूटी पर अपने प्राण निकल जाए ये सौभाग्य की बात भी होती है। मैं इस अवसर पर खास तौर पर चुनाव की दुनिया में आया हूँ, लेकिन मेरी लगा कि चुनाव से ज्यादा जरूरी ये काम है जिसमें मुझे आना चाहिए, इसलिए सारे कार्यक्रम निकट करते हुए सबसे पहले छिंदवाड़ा आया। मेरे सामने कुछ विषय रखे गए हैं कि आज सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए हमें चिट्ठी भेज रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की हमारी जो परंपरा है हम उसके लिए चुनाव आयोग से लेकर के उसकी मदद पहुंचाए, यद्यपि एयरपोर्ट से और बाकी सिस्टम से उसका अपना जो भी मिलेगा मिलेगा, सर्विस एयरफोर्स भी देने को तैयार है, अगर वो नहीं दे पाती तो हम अपनी तरफ से सर्विस दे सकते हैं। पुत्र के भविष्य की दृष्टि से जो कि बहुत छोटा बालक है, हम सब मिलकर एक तरह से हमारा ही बालक है, शासन चिंता करेगा, उनके नाम पर स्मृति द्वार प्रतिमा या वार्ड का नाम जो भी चाहेंगे। मैंने कलेक्टर से कहा कि वो जो भी यहाँ के लोगों से चर्चा करके उसका रास्ता निकाले। नगर निगम के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं और हम सब कुछ यहाँ सरकार अपने बहादुर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, उसको स्मरण रखेगा, फिर स्थायी बनाएगा। मेरी अपनी ओर से इतना शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना दी और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि विक्की गुना हमारे बीच आए और देश सेवा हुए पूरे पुराने संकल्प को फिर पूरा करने के लिए अपने लिए उस दिशा में कदम बढ़ाए। देश के लिए शहीद हुआ है, मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है। मैं चाहती हूँ कि हर भाई का बहन, हर माँ का बेटा, हर पत्नी का पति अपने देश के लिए ऐसे ही गर्व वाली चीज करके महसूस करावे। आखिरी बार आपकी बात हुई होगी, क्या बात हुई? मेरी लास्ट टाइम 2 तारीख को बात हुई भैया से, उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी तो भैया ने विश किया, हम लोग ज्यादा बात नहीं हो पाई। बाकी उसके पहले 1 दिन पहले बात की थी तो भैया अभी 23 तारीख को आने वाला था छुट्टियों में, क्योंकि मेरे भतीजे का बर्थडे है। हम लोग 7 तारीख को अपने भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, भैया 23 तारीख को छुट्टी आने वाले थे। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी से शहीद विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर निकला तो मार्ग में जगह जगह उनके दर्शनों के लिए सड़कों की दोनों ओर जन सैलाब उमड़ पड़ा, सभी ने पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंदनगांव शहीद स्मारक, कलेक्ट्रेट, अंबेडकर तिराहा, राजा भोज सर्किट हाउस के रास्ते से होते हुए शहीद का काफिला उनके निज निवास नोनिया करबल पहुंचा, जहां परिवारजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। बहन को जगह दे, नियम पूर्वक सम्मान पूर्वक चलेंगे, पूरे डिफेंस के नियमों का पालन करते हुए। Thank you.
नोनिया करवल से शहीद विक्की पहाड़े की अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से हुए मोक्षधाम पहुंची। इस दौरान छिंदवाड़ा के नागरिकों ने अपने लाल को भारत माता की जय के जय घोष के साथ विदाई दी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क चांद रोड सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक होल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4-4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क सरसवाड़ा छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहीद विक्की पाढ़े का पार्थिव देह शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मोक्षधाम पहुंचा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मोक्षधाम पहुंचने पर समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद विक्की पाढ़े को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। विक्की पाढ़े के 5 वर्षीय पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब मौजूद रहा और नम आंखों से शहीद को विदाई दी। अंतिम संस्कार के बाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व SP मनीष खत्री सहित वायुसेना के अधिकारियों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आज इस अवसर पर मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं बबल विक्की पाढ़े के विषय में कुछ अपने विचार व्यक्त करूँ। बबल पाढ़े एक बहुत ही बहादुर वायु योद्धा था, जो एक वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसे जो भी वायुसेना में कर्तव्य दिया गया, उसको उसने पूरी तरह से अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा और कर्म कायरता का सबूत देते हुए उसने सर्वोच्च देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसको देश और भारतीय वायुसेना सदैव याद रखेगा। मैं इस अवसर पर ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी संवेदनाएं परिवार और उनके जनों के साथ है, और इस मौके का अवसर इसलिए भी करना चाहूंगा कि जो भी जिला प्रशासन, जिला पुलिस और जो भी व्यक्तियों की तरफ से भारतीय वायुसेना को सहयोग मिला इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए, मैं आप सबका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। एक बार मेरे साथ सब मिलकर कहिए, भारत माता की जय। आज अमर शहीद श्री विक्की पाढ़े के श्रद्धांजलि सभा में सभी हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण, एयरफोर्स के सभी अधिकारीगण और उनके सभी सहयोगी अधिकारी यहाँ उपस्थित, छिंदवाड़ा और उसके आस पास आए हुए सभी सामान्य लोग और साथी। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अमर शहीद विक्की पाढ़े को वो अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार पर जो भी धरती आई है उसको सहन करने की शक्ति दें। हमें गर्व है कि इस तरह के वीर सपूत छिंदवाड़ा की धरती पर पैदा हुए, इस प्रदेश की धरती पर पैदा हुए और देश में पैदा हुए। इस देश का सम्मान इसी तरह के बलिदानों के कारण है और हम सब का दायित्व है कि इस तरह के अमर शहीदों का हमेशा हमेशा
सम्मान करें और उनके परिवार को जब कभी भी ऐसी आवश्यकताएँ हों तो हम आगे बढ़कर के उनका सहयोग करने के लिए आगे आए। मैं पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि अवश्य के श्री चरणों में करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय उपस्थित सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथी, अन्य जो उपस्थितगण हैं, ये सर्वोच्च बलिदान जो विक्की पहाड़िया जी ने दिया है, ये हमारे लिए हमेशा ही एक इंस्पिरेशन रहेगा। हमारे लिए ये एक सीख रहेगी कि जिस प्रकार अपने सर्वोच्च को बलिदान करते हैं हमारे सैनिक और हमारे लिए सीमा बिलाते हैं, हम अपने छोटे मोटे जो वाद विवाद और अन्य कारण में देश की प्रगति में बाधा न बने, आंतरिक शांति हमारा काम है और हमें मजबूती दें, परिवार को हम पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये यहाँ की जनता कभी भी बलिदान को ना भूले। भारत माता की सेवा करते हुए गत दिवस आतंकी हमले में शहीद हुए विक्की पहाड़े को आज अपार जन समुदाय के साथ अरियंता इंटरनेशनल एकेडमी में प्रबंधन सहित समस्त गुरुजनों एवं विद्यार्थियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में वायुसेना के 5 जवान घायल हुए थे, जिनको सेना के हेलीकॉप्टर से उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हम करवल छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, बुरी तरह से जख्मी हुए एवं उपचार के दौरान उन्होंने उनका जन्म 1 सितंबर 1990 को छिंदवाड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय दिमाग पहाड़े, 3 बहनें हैं। शहीद जवान का शव उधमपुर से विशेष विमान के द्वारा सुबह नागपुर एयरपोर्ट लाया गया। नागपुर से विशेष वाहन से छिंदवाड़ा नोनिया करवल में अंतिम संस्कार की शक्ति प्रदान करें। ओम महिला कुंडीपुरा थाना वार्ड नंबर 17 में क्षेत्रवासियों द्वारा प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, जिसके चलते अब क्षेत्रवासियों ने धरना स्थल को ही अपना घर बना लिया है। 3 अप्रैल से जारी क्षेत्रवासियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विगत दिनों प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों से चर्चा कर हल निकालने का आश्वासन दिया गया था, पर कोई कार्यवाही ना होते देख क्षेत्रवासियों ने धरना स्थल को ही अपना घर बनाया है, जहां क्षेत्रवासियों ने रसोई घर बनाकर प्रशासन के इस रवैये को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। ये दो क्या बार बार क्या खोलने की बात आ रही है। भारत सरकार के निर्देशानुसार टाइम ऑफ स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम का क्रियान्वयन के अंतर्गत आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तामिया में विद्यालय स्तरीय मिट्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार टाइम ऑफ स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम का क्रियान्वयन के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के 77 शासकीय स्कूल का चयन किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के 4 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हर्रई, बिछुआ, जुन्नारदेव एवं तामिया को चयनित किया गया है, जिसके अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तामिया में विद्यालय स्तरीय मिट्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर आरसी शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र 2 देलाखारी, डॉक्टर एसके अहिरवार, कृषि वैज्ञानिक, सचिन दास, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, बीके सानेर, एकलव्य प्राचार्य, प्रमोद सिंह उट्टी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी परासिया, हिमांशु विश्वकर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी तामिया, योगेश उइके, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तामिया, कृषि विस्तार अधिकारी बीएल ध्रुवे, एकलव्य विद्यालय स्टाफ सहित संस्था के समस्त बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को एवं विद्यालय के स्टाफ को वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों द्वारा
मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का महत्व, मिट्टी नमूना लेने का तरीका व सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करने की जानकारी प्रदान की गई। जो मिट्टी गड्ढे में गिरेंगे उसको उठाके हम अपने तसले का गमेले में रखते जाएंगे। ग्राम जैतपुर में आयोजित विशाल 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ में आज अनंत विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का आगमन हुआ, जहां श्रद्धालुओं को उनका सत्संग लाभ प्राप्त हुआ। 100 साल के बाद हमें जाना ही है, तय है, लेकिन फिर भी कोई मृत्यु का वरण करना नहीं चाहता। हम क्यों जीवित रहना चाहते हैं, कभी विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, इसलिए जीवन में सब कुछ पाकर के भी आनंद को नहीं पाया। तुरते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै त्रिगुरुमूर्तये नमः इदम् त्रिदक्षिणामूर्तये। आनंद कंद भगवान रामचंद्र अयोध्या में पधारे ना, अयोध्या में राम जन्म भूमि भगवान श्री राम तो पहले से थे, उनको कहीं आना जाना नहीं था। राम जन्म भूमि हमारे पास नहीं थी, राम जन्म भूमि में हम आराधना नहीं कर पा रहे थे, वह अवसर भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। तो उनकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र और यज्ञ नारायण भगवान दोनों की कृपा प्राप्त करने वाले लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, धन्य करना चाहिए। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा की माटी के लाल विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर पहुंचा छिंदवाड़ा, हवाई पट्टी पर उमड़ा जन सैलाब। शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि अर्पित करने छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। शहीद विक्की पहाड़े की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई, राजकीय सम्मान के साथ हुए पंचतत्व में विलीन। और महिला कुंडीपुरा थाना के पास प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर, धरना स्थल को बनाया अपना घर। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।